नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच में शक्ति परीक्षण। विरोध में 20 विपक्षी पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का नहीं किया समर्थन। जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा ओछी राजनीति कर रहे कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकार बदली तो किसी और काम के लिए होगा नए संसद भवन का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन, राजनीति न करे विपक्ष। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी। 30 मई से बीजेपी शुरू करेगी महाजनसंपर्क अभियान। सभी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई मेगा कैंपेन की जिम्मेदारी। 4 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। मेगा कैंपेन के दौरान एक लोकसभा क्षेत्र से 2 दिन गुजारेंगे मंत्री। 8 दिनों तक का स्केड्यूल फिक्स। 160 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सभी समूहों से शांति बनाए रखने की अपील। गुवाहाटी में बोले अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहूंगा, शांति स्थापित करने के लिए लोगों से करूंगा बात। 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री। गुवाहाटी में कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ शांति व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी, शरद पवार से मुलाकात की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में बिल लाई सरकार तो पवार देंगे साथ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बटवा में आयोजित कथा में बोले, सनातन को जगाना होगा, एकजुटता जरूरी। 10 दिन गुजरात में रहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 29 मई को अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। आईपीएल के फाइनल मैच के टिकट के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हंगामा।